हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, एसएससी जीडी की आंसर की के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ चल रही हैं कि एसएससी जीडी की आंसर की आ गई है। बहुत सारे लिंक ऐसे हैं जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिनसे ये लगता है कि वाकई ही आंसर की जारी हो गई है, लेकिन जब टाइम निकल जाता है तो ऐसा लगता है कि ये लिंक फेक है। आपको पता होगा कम से कम 10 दिन के अंदर बहुत सारे फेक जो है आपके लिंक आ चुके हैं जिनमें आपका नाम, डिटेल वगैरह सब चीज़ देखी जा सकती है, लेकिन आंसर की डाउनलोड नहीं की गई है। अब बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, सर ये क्या हो रहा है, क्यों ये लिंक जारी हो रहे हैं, कब आपका रिजल्ट आएगा, कब आपकी आंसर की आएगी, क्या मार्च में आंसर की नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं, तो बच्चों यहाँ पे सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा मैं आपकी। अगर जब भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। बच्चों देखिए, कब आएगी आंसर की, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर आंसर की कब आएगी कब आएगी कब आएगी, ये बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। बच्चों देखिए, अगर आपने एग्जाम दे दिया है तो आपको आंसर की चिंता नहीं करनी है। आपको पता होगा आपका एग्जाम किस तरीके का गया है, और आंसर की वेट में अगर आप बैठे रहोगे कि आपका आंसर की आएगी तब हम तैयारी करेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आंसर की आपको पता होगा इतनी जल्दी नहीं आ पाती हैं, और किसी कारणवश अभी जो है डिले हो रहा है। हालांकि जब भी आंसर की आई है कुछ नियम ऐसे हुए हैं जिनमें थोड़ा फेरबदलाव किया है, अभी हो सकता है उनके चलते ये आंसर की थोड़ी लेट आ रही हो रही हो। तो कब तक आएगी ये वैकेंसी, बच्चों देखिए अभी कोई ऐसी डेट नहीं है कि वैकेंसी कब तक आएगी। बहुत सारे बच्चे इसे क्वेश्चन को पूछ रहे हैं कि सर क्या अब कब आएगी वैकेंसी, क्या आज आ जाएगी। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है, क्या आज आ जाएगी आपकी। जी हाँ बच्चों, इसके लिए आपको मैं यहाँ बता दूँ, ये लिंक आप देखेंगे यहाँ पे एसएससी जीडी आंसर की आउट होने का, यहाँ पे लॉगिन में अवेलेबल जो आपका जो है यहाँ पे 19 तारीख से दिखा रहा था कि 19 तारीख से आपकी आंसर की डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी 26 तारीख तक। तब ये डेट निकल चुकी है, और आपको पता होगा ये इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, जैसे ही आप इसको खोलते हैं तो कुछ भी आपकी जो डिटेल वगैरह है वो शो नहीं हो पा रही हैं। इसके चलते बच्चों ने ये सवाल पूछा है कि आज आ जाएगी, क्या आज आ जाएगी, क्योंकि कल वो लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ, क्या सर आज हो जाएगा। बच्चों उस लिंक में कोई भी सच्चाई नहीं है, वो लिंक पहले की तरह जैसे पहले फेक था ऐसा ही लिंक अब है। अगर एसएससी अपनी तरफ से कोई भी लिंक जारी करती तो वो बिल्कुल सही समय पर खुलता है, ऐसा नहीं होता है कि लिंक किसी कारणवश ना खुले, तो ये गलत है। हो सकता है सर्वर आपका जो है स्लो हो, लेकिन फिर भी वो खुलना चाहिए था, तो ये नहीं है कि आज जो है आपकी आंसर की आ जाएगी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या मार्च में नहीं आएगी आंसर की, बहुत सारे बच्चे इस सवाल को पूछ रहे हैं, क्या इस मार्च में जो है आपकी वैकेंसी जो है आपकी आंसर की है जो है वो नहीं आएगी क्या। बच्चों देखिए ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि मार्च में नहीं आएगी, रिजल्ट जारी हो जाते हैं, आंसर की जारी हो जाती हैं, इस पे चुनाव से और आचार संहिता से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बच्चों की खाली भ्रांतियां हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आपका रिजल्ट मार्च में नहीं आए या मार्च में आपकी आंसर की नहीं आएगी, तो ये भी नहीं है। रिजल्ट कब आएगा, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है सर रिजल्ट कब आएगा। तो बच्चों रिजल्ट के बारे में आपको बता दूँ, देखिए इसमें आपका मान सकते हैं कि आपका अप्रैल मई में आपका जो है यहाँ पे मई में आपका रिजल्ट आए, इससे बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि अभी आपके आंसर की एक्टिव होगा, लिंक एक्टिव होने के बाद लगभग 7 दिन तक आपकी आंसर की चेक की जाएगी। उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन डालने हैं, ऑब्जेक्शन डालने के बाद आपकी रिवाइज आंसर की आएगी, रिवाइज आंसर की के बाद जिस दिन रिवाइज आंसर की आएगी उसी दिन आपका रिजल्ट जो है यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे मई के लगभग आपका रिजल्ट जो है आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता क्योंकि अभी तो आपकी आंसर की नहीं आई है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से परेशान थे, तो रिजल्ट से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मई में आपका लगभग वहाँ पे रिजल्ट आने वाला है बच्चों। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।